दगड़ियों, सभी को मैं इंदर आर्य का प्यार भरा नमस्कार दगड़ियों। तो कैसे हैं? और मैं दुआ करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और दगड़ियों में यही कहना चाहूँगा, आज बहुत दिन बाद मैंने ये लगाओ कि करीब एक महीने बाद गाड़ी निकाली है बाहर, एक महीने से भी थोड़ा कम, और क्योंकि थोड़ा मैंने कहा चलो इसको आज थोड़ा सा हम ड्राइव करते हैं, चलाते हैं। और परसों से 12 तारीख से फिर कंटिन्यू गाड़ी निकलेगी हमारी। और अभी हम गए थे, अभी हम जा रहे हैं मतलब कि हल्द्वानी से काला ढूंगी से फिर नैनीताल के रास्ते, काला ढूंगी के रास्ते नैनीताल से फिर घर। और पंकज दिखाएगा बाहर का व्यू। सो गाइज, ये है काला ढूंगी वाली रोड। पंकज, तो गाइस आप जैसे जान सकते हो कि हमारा कैमरामैन पंकज बोरा अभी मेरे साथ रोज की तरह मेरा जिगरी यार है, छोटा भाई की तरह है, और बहुत अच्छा सपोर्ट करता है मेरे को, और हर काम में साथ रहते हैं हम लोग, दो तीन लोग हम, और जैसे आशू भाई हैं और पंकज भाई हैं। तो अभी हमने कहा चलो हम आज ब्लॉग की शुरुआत ऐसी हुई गाइस कि कंटिन्यू ब्लॉग नहीं आ रहे क्योंकि थोड़ा सा समय नहीं लग रहा है, प्रोग्राम है, कुछ रिकॉर्डिंग थे, तो ब्लॉग तो बहुत सारे हैं लेकिन आजकल ब्लॉग थोड़ा सा लोग देखते भी नहीं है, क्योंकि आजकल होता ही है कि ना अगर आप कंटिन्यू बैक टू बैक काम करते हो तो लोग देखते भी है, फिर बीच में अगर रोक देते हो तो फिर थोड़ा रुक जाता काम। तो ऐसे ही हो रहा मेरा आजकल, लेकिन आपका बहुत ढेर सारा प्यार है मेरे चैनल में, ब्लॉग वाले में भी, और उसमें भी आप लोगों ने 20 से 21 हज़ार सब्सक्राइब मेरे कंप्लीट कर दिए, उसके लिए भी दिल से धन्यवाद। और आज हम देखो काला ढूंगी वाले रोड पे जा रहे हैं, कितनी शानदार सड़क है। जब भी मैं यहाँ आता तो मुझे घर की याद आती है, आपको पता ही है मैं अपना पहाड़ से और अपने मम्मी से और अपनी मातृ जो मेरी जन्मभूमि है, मातृभूमि है, मैं बहुत प्यार करता हूँ और बहुत सपोर्ट करता हूँ अपने उत्तराखंड को, आप जानते ही हो, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करो गाइस। तो आज और उत्तराणी के बारे में क्या कहना चाहोगे, आपका गाना भी आया है उत्तराणी कौतिक, गाइस मेरा एक गाना आ रखा है उसको आप लोग देखें, और इंदर आर्या जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाके देखें, प्यार दें उस गाने को, और उसमें कमेंट करें कि आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं डीजे वाले गाने तो गाता ही हूँ आपको नचाने के लिए, तो मैं हमेशा रेडी रहता हूँ, लेकिन कुछ हमारे कल्चरल सॉन्ग भी होते हैं, जैसे हम अपने देवभूमि के लिए झोड़ा चांजरी छबेली, वो भी मेरे बहुत सारे गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं, आने वाले हैं, तो आप उन गानों को भी प्यार दें, जैसे आप डीजे वाले, जैसे आपने मधु को दिया है, मधु को दिया वो भी बिल्कुल प्योर फोक गाना है, और जैसे आपने मॉडर्न कुमाऊं फर्स्ट क्लास, हाँ, तेरी मेरी जोड़ी फर्स्ट क्लास को दिया, जैसे आप लोगों ने नथुली की डोर, अभी बहुत सारे गाना आ रखे मेरे और आने वाले भी हैं, और आप लोग ऐसी सपोर्ट करा करो यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और क्योंकि आप लोगों ने मुझे बना रखा है, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ आपका, और ऐसी आप लोग सपोर्ट करें, प्यार दें, बहुत मेहनत लगती है, अगर हम सुबह स्टूडियो के अंदर घुसते तो शाम को पता नहीं लगता कि कितने बजे बाहर आ रहे, खाने का समय नहीं और उठने बैठने का समय नहीं, तो इसीलिए बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, इसलिए ब्लॉग कंटिन्यू नहीं आ पाते हैं। और आप थोड़ा अक्षय कुमार की तरह जल्दी उठ जाते हैं सुबह 3:30 बजे, जल्दी उठ जाता हूँ, रात को भी मैं 2-3 बजे उठ गया था, क्योंकि मेरा आज गाना डालना था चैनल में, तो भाई लोग सब सोए रहे थे, तो मैं किसी को परेशान भी नहीं करता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे सिखा दिया कि ऐसे होता है करके, मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है यूट्यूब के बारे में, लेकिन इनका टाइम है 3 बजे उठने का। हाँ, 3 बजे उठता हूँ, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, तो टाइम से सो भी जाते हैं। हाँ, और बाकी पंकज भाई को मेरे बारे में सब पता है, और आशू भाई को आप जानते हो, आशू ब्लॉग्स को, और आप सब लोग भाई को सपोर्ट करें, और पंकज भाई का भी है एक पंकज बोरा ब्लॉग, पंकज आपका चैनल का नाम क्या है? पंकज बोरा ब्लॉग, पंकज बोरा ब्लॉग से करके भाई का चैनल है, पंकज बोरा भाई के, मैं इस बार डिस्क्रिप्शन में पंकज भाई का लिंक डाल दूंगा गाइस, तो आप लोग पंकज भाई को भी सब्सक्राइब करें यार, बहुत अच्छा लगता है, भाई भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाता है, और मेरे साथ हमेशा कंटिन्यू मेरे शो पे रहता है, और मेरे साथ हमेशा हमेशा ही, मतलब समझो कि अगर हम मैं घर से निकल रहा हूँ तो पंकज मेरे सबसे आगे, मेरे सामने पंकज रहता है, और पंकज को बताऊंगा, सभी दगड़ियों को, सभी दोस्तों को उत्तरायणी कौतिक की ढेर सारी शुभकामनाएं, और घुगुती त्यार की भी ढेर सारी शुभकामनाएं गाइस, आप लोग ऐसे ही हमेशा खुशियां मनाएं, और घुगुती त्यार की पुलाव पुलाव घुगुते बनाए, डमरू जलेबी, घुगुत बनाया, काले कौवा काले लगड़ बड़ खाले, पुराण माव मुख दीजा, नहीं पुराण माव तुलीजा, नया माव मुख दीजा, ऐसा बोलते ना, देख सूरजा देख पुराण माव तू लीजा, नया माव मुख दीजा, काले कौवा काले लगड़ बल खाले, हमारा ऐसे बोलते काले कौवा काले लगड़ बल खाले, पुराण माव तुलीजा, नू माव मुख दीजा, ऐसा हमारे वहाँ कहते हैं,
और बहुत अच्छा लगता है। घुगुत बनाएंगे, अभी घुगुती त्यौहार का भी हमारा ब्लॉग बनेगा गाइस, और बहुत सारे ब्लॉग, क्योंकि मैं तो घुगुती त्यौहार के दिन मेरा प्रोग्राम भी है, तो क्या पता घर पे घर तो जा नहीं पाऊंगा यार, लेकिन शो का दिखा सकते हैं। कंटिन्यू शो है 12, 13, 14, 15, अगर 14 के बाद 15 का नहीं होता तो मैं शायद घर चले जाता, क्योंकि 14 को मेरा है दिनेश यहाँ पे है गदरपुर में है, क्योंकि वो पूरा ही मेरा ही हमारा ही शो, मेरा पर्सनल शो है वो। और 15 को है आपका दिल्ली, 15 को दिल्ली है, जय बिहार में है, और क्योंकि वो भैया को मैंने बोला भैया आपने मेरे को पेमेंट दे रखी है तो आप इस बार करो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना मुझे किसी ने पैसे दे रखे यार, पैसा आपको पता ही है कि हाँ। पैसा कमाने में बहुत समय लगता है ना पंकज जी, सही बात है। तो अच्छा नहीं लगता, मैंने खुद ही बोला, उन्होंने खुद भी बोला इंदर आप आओगे, मैंने कहा ठीक है सर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, तो मैंने कहा ठीक है डन। और माया जी के साथ है 15 तारीख को, 15 जनवरी को दिल्ली में मचाएंगे, और 16 तारीख को अपने घर, 17, 18 को फिर घर पे ही है, 20 को मेरा उत्तरायणी मेन हमारा बागेश्वर बागनाथ मंदिर, बागेश्वर बाजार बाजार में लरो कोतिका, बागेश्वर बाजार बाजार में लरो कोतिका, सरियों का किनारा किनार में लरो कोतिका, सरियों का किनारा किनार में लरो कोतिका। सो गाइस बने रहिए, आप अभी दिखाते रहेंगे हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या शेड्यूल है आज का, ये आप देखिए, क्योंकि मेरा आज ऐसा हुआ था गाइस, तो मैं थोड़ा सा मारुति सुजुकी जो शोरूम है ना नैनीताल रोड पे आया था, तो थोड़ा काम था मेरा, और इसीलिए मैंने पंकज को बोला चले आज थोड़ा घूमते हैं, बहुत दिन हो गए थे घूमे नहीं थे, और मैंने कहा चलो घूमते हैं आज पंकज भाई और मैं, तो आप लोग बने रहे यार इंदर आ रही है ब्लॉग में, आप दिखाएंगे आपको आगे। तो सो गाइस यह है काला ढुंगी वाली रोड, काला ढुंगी से जो ऊपर को नैनीताल वाली जाती है वाली रोड है, अभी आपको हम यहाँ पर दिखाते रहेंगे, ऊपर से व्यू दिखाएंगे और नैनीताल में दिखाएंगे कितना रस है, देखते हैं आज। लेकिन हम नैनीताल नहीं जा रहे हैं, नैनीताल हाँ नीचे से कट जाते, नीचे से कट जाएंगे हम, पूरा नैनीताल नहीं जाएंगे पर दिखा देंगे। काला पत्थर बोलते क्या बोलते वहाँ कटती है, अच्छा काला पत्थर कुछ बोलते है वो जो नैनीताल का चुंगी जहाँ पे हमें सब लोग मिले थे उस दिन, अच्छा अच्छा वो पुलिस वाले, हाँ हाँ वही वाला रोड कटता है कहीं पे, काला पत्थर बोलते है मुझे इतना वो नहीं है, तो आपको दिखाते रहेंगे हम, हाँ दिखाएंगे जरूर। चलिए और आशू भाई को बोला था हमने आने के लिए, लेकिन हमारे आशू ब्लॉग से आज अपने मामा लोग ना मामा के साथ भीमताल को, हाँ मामा लोगों को घुमा रहे, क्योंकि उसका भी जरूरी है, फैमिली को भी समय देना, क्योंकि कंटिन्यू भाई भी मेरे साथ ही रहता है, 12 से वो साथ ही रहेंगे, 12 से फिर हम लोग साथ ही हैं, फिर देखते हैं गाइस आप लोग बने रहे अंदर आ रहे ब्लॉग में, आपको मिलाते हैं आगे कैसा कैसा दिखेगा सामने। यो तो सो गाइस अभी हम पहुंचे आधे रास्ते, यहाँ देखो भाई व्यू क्या आ रहा है ना इंद्रदा, या मजा आ गई या सो गाइस ये देखो कितना उल्टा आया वो, हाँ अरे उल्टे तो आएंगे पहाड़, तो गाइस यार यहाँ देखो उसका है, तो गाइस देख सकते हैं आप और कितना अच्छा व्यू है, अभी हम नैनीताल पहुंचने वाले हैं, और खुरपाताल वाली रोड से कैच हो जाएगा ना, खुरपाताल से ही वो जो चुंगी है ना, क्या बोलते हैं चुंगी बोलते क्या, बाईपास वहां से कट हो जाएगा ये काला कुछ बोलते हैं, तो ये देखो आप चीड़ के पेड़ देख के, अभी बहुत अच्छा नजारा दिखेगा गाइस बने रहे हैं, अभी दिखाएंगे आपको, और बाकी यार मेरा ब्लॉगिंग का ऐसे ही रहता है, बाकी मैं सो ही दिखाता हूँ आपको, और जब घर जाता हूँ तो मम्मी के साथ दिखाता हूँ, बाकी आपको पता ही है ज्यादा समय होता नहीं है, जितना भी होता है जो भी होता है आप लोग सपोर्ट करते तो अच्छा लगता है। ये देखो गाइस क्या व्यू है, मजा आ गया, और यहाँ तो गाइस आधे रास्ते में हमें कुछ इस तरह व्यू दिखाई, ये देखो इंद्रदा के पीछे क्या पहाड़ ऐसा लग रहा, चूम रखा है इन्होंने बहुत ही अच्छा, वो देखो सामने ये देखो, ओहो ये देखो आप नजारे, तो एक सुरीला गाना आज का जो आपका आया वही सुना दो, आज का गाना उत्तरायणी वाला, बागेश्वर बाजार बाजार में लरा कोतिका, बागेश्वर बाजार बाजार में लहरा कोतिका, सरयू गोमती का किनारे में लहरा कोतिका, सरयू गोमती का किनारे में लहरा कोतिका। तो गाइस आपको इस सॉन्ग कैसा लगा बताओ कमेंट करके, जाओ जल्दी से इंदर आर्या चैनल पे, वहां पर आपको एक सॉन्ग मिलेगा, बताओ और ये डन है, और किस किस को अच्छा लग रहा है जल्दी से इसको शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और ये ब्लॉग आएगा आपका एक दो दिन में, बागेश्वर आने से पहले तो पक्का आ ही जाएगा, यस ना टाइम मिलेगा तो पक्का पहुंच ही जाएगा, और तब तक तो कहाँ बागेश्वर जाने से पहले ब्लॉग पक्का आ जाएगा ना,
तब तक तो आ ही जाएगा भाई। सर हमें 20 तारीख को जाना है, अभी 10 दिन है, तब तक तो दो दिन तीन ब्लॉक और आ जाएंगे, तीन पांच ब्लॉक। हाँ अभी देखा, अभी ये देखो ये है नैनीताल, सामने नैनीताल जब पहाड़ी दिख रही है, सब बर्फ बर्फ गिरती है मेरे ख्याल से। हाँ, बर्फ गिरती है हमेशा यहाँ पे, तो हम चलते रहेंगे आपको दिखाते रहेंगे, और बने रहिए आप इंदर हरिया ब्लॉग पे। कंबल कंबल तो गाइस हमने यहाँ पे उस दिन बंदरों को खिलाए थे फल। जय हो, जय हो भगवान, जय हो भगवान, भगवान 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 भगवान। ये गाइस खुरपा ताले नीचे यहाँ पे हमारे बहुत सारे शूट होते हैं, और आप देख सकते हैं, अभी दिखा नहीं सकते। इसी लाइन में वाला भी गाना शूट हुआ, कौन सा वो और लहंगा टू सब इधर के लोकेशन है, क्योंकि हमारे कुमाऊं में बहुत अच्छे अच्छे लोकेशन है, हम लोग जाते नहीं वहाँ पे। सो गाइस अभी यहाँ विंटर है, बहुत बहुत बर्फ पड़ती है इस रोड पे भी, और ये सामने जो पहाड़ देख रहे हो आप याला, बिल्कुल वो गुंजी वाला पहाड़ लग रहा है, कश्मीर वाला। और जो बर्फ के पहाड़ जहाँ हो गए ना, समझो कि वहाँ पे बर्फ पड़ेगी। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे घास वास कम होती है, वो घास भी इतनी तगड़ी घास होती है ना, वो कांटेदार। जब मैं इधर से जब बर्फ गिरेगी तब आएंगे ना एक दिन। हाँ तो बर्फ में तो हम आते हैं, पिछली बार नहीं आए थे। मैं नहीं, पिछले बार तो कहा, हाँ नहीं आए थे ना आप नहीं आए थे, लेकिन मैं आया। ये देखो आगे फुहारा पानी, ये देखो कैसा 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 चल रहा है। तो इस बार हमने सोचा है कि पक्का आएंगे। अभी हम यहाँ से जाएंगे कहाँ को, सीधा निकलेंगे, देख नीचे काठगोदाम ऊपर को रामनगर, तो हम जाएंगे अब सीधे सीधे बाईपास काठगोदाम पड़ता है। तो गाइस ये हमारा, अब दिखो इधर अस्पताल, और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे, देखो कितना प्यारा लग रहा है। हुई ये हरे भाई लोकेशन तो बहुत अच्छा लग रहा है यार दगड़ियों। तो पहाड़ के बीचों में हम चल रहे हैं, बगल में अगल बगल है यहाँ चीड़ के पेड़, ये देखो। और गाड़ी हमारी न्यूट्रल में अभी बिल्कुल ही 5000 चलने वाली गाइस हमारी गाड़ी, अभी 5000 धन्नो। क्या रखा आपने इसका नाम? इसका नाम कुछ नहीं है मेरी, धन्नो तो बुलेट का है नाम, पहाड़ की रानी है। तो आपको हम दिखाते रहेंगे आगे, ये देखो रोड, देखो रोड, ये वही वाली रोड है तुमका। हाँ वही है जो नीचे जंगल में भी हुआ था, यहाँ इसके आगे से। तो सो गाइस अभी हम थोड़ा यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ व्यू देखो भाई, पीछे व्यू आ रहा है यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे बनाएंगे रील ना, तो यहाँ पर हम रील बनाएंगे, तो आप देखना इंदर दा के उसमें रील, और मेरी भी देखना। और खड़ी इंदर दा की कार जो अभी कितने दिन निकली है इंदर दा, मतलब कि आज एक हफ्ता मान के ले ले ना, एक हफ्ता मान के गाड़ी निकली है, तो आपको अभी थोड़ी देर में। सो गाइस टाइम हो चुका है दिन के 3, और हम पहुंचे खुरपाताल के। तो गाइस हम पुल से पार हो चुके हैं, और यहाँ देखो व्यू कितना, साइड में कितना अच्छा व्यू आ रहा है, बिल्कुल पहाड़ दिख रहे हैं, और यहाँ वीडियो भी चल रही है। हेलो, तो गाइस हम पहुंच चुके हैं खुरपाताल के सेकंड पुल पे, ये देखो कितना अच्छा पुल बना रखा है, यहाँ पे हमने रील बनाई थी ना, यहाँ भी हमने रील और शूट भी हो चुका है। आज नहीं बना पाएंगे गाइस, क्योंकि आज तीसरा बंदा नहीं है ना कैमरा चलाने वाला। तो ये देखो रील बना रहे, लेकिन वो जा नहीं रही वहाँ पे, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, नजर ना लगा तो कहने तो टिक लगे। और बाकी आप बने रहे इधर आ जाए ब्लॉग में, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।